शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सब ठीक ठाक चल रहा है? ये लोग तुम्हें वैसी इज्जत दे रहे हैं ना जैसे एसीपी प्रद्युमन को देते थे। सर सर, क्या इज्जत और कैसी इज्जत। जब भी ये प्रद्युमन की सीट पर बैठता हो ऐसे लगता है जलते हुए कोयलों पर बैठ रहा हूँ। ऐसी यहाँ निकलती है मुंह से कि पूछो मत। ये प्रद्युमन क्या खिला के गया इनको मालूम नहीं, दिन रात उसकी माला जपते रहते हैं। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? छत गिरेगी तब कुछ करोगे? करो इनको अपनी मुट्ठी में। सर, इस टीम की ताकत है अभिजीत और दया की दोस्ती। अगर इन दोनों की दोस्ती में दरार डाल दी जाए तो ये टीम अरे बाजार बिक जाएगी। कोई नहीं पूछेगा इन्हें। क्या पता चल गया? ठीक है, उसे वहां से जाने मत देना। हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। अरे अभी तो यहाँ पे थी, कहाँ पे चली गई? डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल के सारे दरवाजे बंद करवा दीजिए। ये मालविका हॉस्पिटल से किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए। आपको मैम ने बुलाया है। आता। अरे एसीपी प्रद्युमन यहाँ क्या कर रहा है? सीआईडी छोड़ के यहाँ नौकरी कर रहा है? सीआईडी छोड़ी नहीं, छोड़नी पड़ी। क्यों? सुनने में आया है कि ये किसी लड़की की जान बचाने के बजाय दम दबाकर भाग गए। Oh no, ये तो देखो, बेटी इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। चल संभाल के। मालविका, ये क्या कर दिया तुमने? एक सीआईडी ऑफिसर पर चाकू मार दिया, वार किया उस पे, उसकी सजा जानती हो तुम? I'm sorry sir, मैं मैम को नहीं मारना चाहती थी, मैं तो खुद को मारना चाहती थी। लेकिन क्यों? रोहन पे मुझे शक होने लगा था कि कुछ तो माजरा है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि बात क्या है, इसलिए मैं पूछने के लिए उसके पास गई थी। लेकिन हमारी बहस इस हद तक बढ़ गई कि रोहन ने मुझे मारने की कोशिश की थी सर। मैंने अपने बचाव में उस पर वार किया था। अगर मैं उसको नहीं मारती तो रोहन मुझे मार डालता। आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। मैम, आपने मुझे बुलाया? अच्छा, तो आप हैं मिस्टर प्रद्युमन, जतिन के अंकल। सॉरी जतिन, लेकिन तुम्हें पता है ना कि छुट्टी चाहिए तो 15 दिन पहले बताना पड़ता है। तुम ऐसे ही चले जाओगे तो सारा काम अटक जाएगा। नहीं नहीं मैडम, आपका काम नहीं अटकेगा, मेरी जगह मेरे अंकल जी अगर काम संभाल लेंगे। मैम, वो बहुत अच्छे इंसान है और वो काम काज के लिए तो बिल्कुल फिट है। वो सीआईडी में पहले एसीपी थे। आपसे बोलना अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ का पूरा स्टाफ जो है वो बड़ी लगन से और ईमानदारी से काम करता है। मैं भी पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा।
वैसे तो ये काम आपके सीआईडी के काम से पूरी तरह से अलग है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको मजा आएगा। वैसे मैम ये खास कुछ अलग नहीं है सीआईडी के काम से। वहां पर मुजरिमों को हम हथकड़ी पहनाते थे, यहाँ कुंवारों को शादी की हथकड़ी पहना देंगे। ये प्रिया नहीं मिली अभी तक, मुझे देख रहा है मेरी नाक कटने वाली है। मैं चित्रले साहब को बोला था मैं सीआईडी में वो फुर्ती भर लाऊंगा कि एक एक केस ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन यहाँ पहले केस में ही पानीपत। तुम लोग मुझे एक कारण बता सकते हो प्रिया क्यों नहीं मिली? सर वो सीआईडी के हाथों से ज्यादा दिन तक बचेगी नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो। एक तो चित्रों साहब का एहसान के गोजे में दबा हुआ हूं मैं, अब तुम लोग मेरी स्टाइल से क्यों नहीं काम करते हो? ये प्रद्युमन स्टाइल अभी पुरानी हो गई, फेंक दो उसे। सर डिटेक्शन क्या होता है हमें प्रद्युमन साहब नहीं सिखाया, और जो सिखाया वैसे ही काम करेंगे ना सर। इसका मतलब है तुम लोग मेरी सुनने वाले नहीं हो। एसीपी मैं और चाबी घुमा रहा है प्रद्युमन। सर प्लीज आप हमारे ईमान पर शक नहीं कर सकते। वो तो हम एसीपी साहब के साथ ही जाने वाले थे, मगर उन्होंने हमें रोक दिया। जाने वाले थे मगर गए नहीं। ये तुम लोग ये एसीपी जाने का शौक मनाना बंद करो, उसका स्मारक मत बना दो यहाँ पे। ये इतना दिल डूबा पड़ा है, इसके लिए कुछ करना पड़ा मुझे। दो नए जवान ऑफिसर्स का सीआईडी में ट्रांसफर करना पड़ा। क्या दो नए ऑफिसर्स? नया एसीपी, नई शक्ति। दिग्विजय ये ऑफिसर्स, अंदर आ जाओ। ये आपने बहुत अच्छा किया चित्रले साहब, कम से कम ये दोनों मेरी बात तो सुनेंगे। अब ये केस जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। सुना तुम लोगों ने? सर जी आपने क्या किया, कहां से पकड़ के लाया है? इसमें से एक जोकर दिख रहा है, एक फ्रेडी आप पहले से मौजूद है। अरे तुम इनका काम तो देखो पहले। आप मेरी बुद्धि पर शक कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ने मैंने भी 25 साल निकाले हैं। मैं देख के ही बता सकता हूँ, अभिजीत और दया इन दोनों को कच्चा चबा देंगे। देख विजय सर मालवी को ले आए। सर ओ तो तुम हो वो लड़की मालवी का जिसने पहले अपने पति का खून किया और फिर हमारी इस लेडी ऑफिसर पे हमला किया। सर वो गलती से हो गया था। ये रोहन और बिल्लू शादी से पहले कितनी बार मिली थी इससे तुम? यही कोई 5-6 बार। फिर भी पता नहीं चला कि ये आदमी फ्रॉड है? मुझे उसमें वो सारी खूबियां दिखती थी जो मैं अपने होने वाले पति में चाहती थी, इसलिए मैंने उसको शादी के लिए हाँ कर दी थी। तुम कहाँ मिलती थी रोहन से, घर पे या कहीं और? सर हम लोग एक ब्लैक पील नाम की कॉफी शॉप में अक्सर मिला करते थे। वहाँ वो अकेला आता था या उसके साथ में कोई और भी था? एक दो बार उसका दोस्त अमर भी आया था। अमर? सर ये अमर नाम बार बार आता है, मेरा सीआईडी वाला दिमाग बोलता है ये अमर विलन है। सर हमें मालूम है कि अमर ने ही बिल्लू को पैसे दिए थे कि बिल्लू से रोहन बन जा और मालविका को फंसा ले। मालविका एक बात बताओ, तुम इस रोहन से मिली कैसे थी? एक निहारिका नाम की लड़की है जो हमारे पड़ोस में रहती है, वो ये रिश्ता लेके आई थी। कहाँ रहती है? सर मेरे घर से अगली रोड पर रहती है। इस निहारिका को ढूंढो और इस अमर को अब खोद के निकालो। घर को अच्छी तरह से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। आप लोग जरा अंदर आइए। और क्या जानते हैं आप लोग अमर के बारे में? साहब वो ज्यादातर यहाँ नहीं रहते थे, कभी कभी ही आते थे। सर वो तो बहुत खड़ूस था, वो तो हम लोग से बात भी नहीं करता था। अच्छा और आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने अमर को? 2 दिन पहले रात को देखा था उसे, हाँ उसके बाद नहीं देखा उसे। इस औरत को देखा था उसके साथ कभी? नहीं साहब। ध्यान से देखो।
हाँ साहब, इसी तो मैंने नहीं देखा था, इसी घर में। कब देखा था? दो दिन पहले रात को यहीं थी ये, फिर कल सुबह टैक्सी पकड़कर चली गई। टैक्सी का नंबर याद है? नंबर तो नहीं देखा था, उस टैक्सी के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्या? बिजी कैब। हाँ हाँ हाँ, बिजी कैब लिखा हुआ था साहब, वो जो प्राइवेट टैक्सी होता है, इसको फोन करके बुलाते हैं। बिजी कैब। 100% उत्पल जी, आपका सपना जरूर पूरा होगा। अरे आप मुझ पर विश्वास तो करके देखिए। हमें आप पर पूरा विश्वास है, मुझे मालूम है आप हमें अच्छे से अच्छा ही लड़का दिखाएंगे। जी मुझे भी शादी करनी है। आप बहुत कोशिश की एक अच्छा लड़का ढूंढने की, पर मिला ही नहीं। बेटी आप बिल्कुल सही जगह आई है, निहारिका जी हमारी बेटी के लिए भी लड़का ढूंढ रही है। जी मालूम है मुझे। आपको कैसे मालूम? किसने बताया आपको? मालविका ने बताया। मालविका? कौन मालविका? ये क्या किया? सही किया मैंने, वरना आप भी इसकी जाल में फंस जाते। मालविका के साथ जो कुछ भी हुआ उसे इतनी जल्दी भूल गई? क्या हुआ? हम लोग CID से हैं, आपसे बाद में बात करते हैं। CID से? कुछ गड़बड़ है क्या? जी हाँ, आप जाइए, मुझे इंतजार कीजिए। कुछ याद आया या फिर से याद दिलाऊं? थोड़ी देर और की तो एक और पड़ेगा जोर का। रोहन और उसके परिवार के बारे में क्या जानती हैं? सर मैं कुछ भी नहीं जानती सर। जब आपको कुछ पता ही नहीं तो आपने मालविका की शादी कैसे करवा दी रोहन के साथ? कमीशन के लिए सर। कौन देता है? सर मेरे भीर वाले देते हैं। शादी के लिए लड़की और लड़के का उनसे मिलवाती और वो अपने कमीशन का 20% मुझे देते। रोहन को कहाँ ढूंढा आपने? मेरे कजन रोहन का नाम बताया था। कजन का नाम? मुत्तू सर, मुत्तू। ये प्रद्युमन ने एक छोटी सी गलती कर दी, बस उस गलती से घेर लिया आपने उसको। मैंने उसे मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए। मानना पड़ेगा सर जी आपको, चाय में से जैसे मक्खी उठाकर फेंक देते ना, वैसे उठाकर फेंक दिया। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि एक CID ऑफिसर पीठ दिखा के भाग गया है कायर कहीं का। बाकी आप कुछ भी कह सकते हो सर, लेकिन प्रद्युमन कायर नहीं है। ए! मैं जानता हूँ सर। ये क्या हो गया तुम्हें? प्रद्युमन को निकाल के तुम्हें लाके बिठाया और तुम प्रद्युमन के गुण गा रहे हो? प्रद्युमन ने पटा लिया है तुम्हें? सर गेंडे की चमड़ी है मेरी, वो क्या पटाएगा मुझे। और अब प्रद्युमन की छोड़ो, उनकी सोचो जिन्हें प्रद्युमन छोड़ के गया है। कौन? ये अभिजीत और दया वगैरह वगैरह? हाँ यही दोनों। ये दोनों प्रद्युमन के भक्त हैं, इनकी दिलों में अभी तक आग लगी हुई है जो कभी भी ज्वालामुखी बन के फट सकती है। फिर निकाल देते हैं ना CID से दोनों को? नहीं नहीं नहीं, निकाल नहीं सकते। इन दोनों को निकाल दिया तो CID चलेगी कैसे? मैं हूँ ना सर, अकेला संभाल सकता हूँ CID को। मैंने तुम्हें ACP कैसे बनाया ये मैं ही जानता हूँ। सर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। हाँ पता है पता है, तुमने आज तक सिर्फ 2 केसेस सॉल्व किए हैं, है ना? आपके सिवा दूसरे किसी को मालूम नहीं है सर। हाँ मालूम है। क्या पता चला? सर CID छोड़ने के बाद ACP प्रद्युमन का चालढाल ही बदल गया है। सुबह 8 बजे घर से चले जाते हैं, हाथ में एक थैले जैसा बैग लेते हैं, शाम को 7-8 बजे के करीब वापस लौट आते हैं। ये तुम चिपके हुए हो ना उसके घर के आसपास? जी सर, दिन रात हम लोग वहीं पे थे। और ये अभिजीत और दया, ये आते हैं उससे मिलने के लिए? नहीं सर, सर अपनी नई जिंदगी में एकदम मस्त हो गए हैं ACP प्रद्युमन। अरे ये क्या ACP लगा रखा है, अब वो ACP नहीं रह गया है, सिर्फ प्रद्युमन है, प्रद्युमन बस। और थोड़े दिनों में ये प्रद्युमन का प्र भी निकल जाएगा, सिर्फ द्युमन रह जाएगा, द्युमन। ये अच्छा। ये बीच के 12 घंटे वो करता क्या है? ये पता नहीं सर,
रोज सुबह 13 नंबर की बस में बैठकर निकल जाते। बस में? जी सर। प्रद्युमन बस में? जो आदमी जिंदगी भर कार में बैठा वो आदमी आज बस में बैठ के जा रहा है। प्रद्युमन बस में? कुछ गड़बड़ है। मुझे मालूम था ये बाहर जाके भी चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। अरे तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? कल सुबह जब वो बस में बैठेगा तो तुम चिपको उसके साथ में, तो देखो कहां जाता है और क्या करता है। अच्छा ये बताओ कि इन्हें पिकअप किया था तुमने मलाड से सुबह कल? जी हाँ सर। ये आदमी उनके साथ था? नहीं सर, ये आदमी तो नहीं था, मैडम तो अकेली थी। अच्छा कहाँ ड्रॉप किया था तुमने प्रिया जी को? बांद्रा के एक कॉफी शॉप में। बांद्रा के कॉफी शॉप में? लेकिन इतने सुबह सुबह कोई मलाड से कॉफी पीने के लिए बांद्रा क्यों जाएगा? नाम क्या था कॉफी शॉप का? सर ब्लैक मींस कुछ। सर हम लोग एक ब्लैक फील नाम की कॉफी शॉप में अक्सर मिला करते थे। सर ब्लैक फील तो वही कॉफी शॉप है जहाँ मालविका जी रोहन और अमर से मिलने जाती थी। अच्छा कोई और अजीब बात हुई हो कॉफी शॉप के बाहर उनको छोड़ने के बाद या फिर रास्ते में टैक्सी के अंदर? सर 6:45 उनको एक फोन आया था, उन्होंने मुझसे पेन और पेपर मांगा तो मैंने अपना रेटिंग पैड उन्हें दे दिया। वो पैड है तुम्हारे पास? जी सर। लेके आओ। ठीक है सर। सर सुबह सुबह 6:00 कोई प्रिया जी के लिए कॉफी शॉप क्यों खोलेगा? इस कॉफी शॉप में कॉफी के अलावा कुछ और भी पक रहा है। हेलो। यस सर, हम लोग टारगेट का पीछा कर रहे हैं सर। टारगेट अभी रोड पर खड़ा हुआ है। जी हाँ सर, बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहे हैं। सर आई ब्रीफ यू अगेन। बाय सर। चल एसीपी प्रद्युमन यहीं कहीं दया और अभिजीत को मिलता होगा। मैं अभी कैमरे से रिकॉर्डिंग करता हूँ। रुक, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे प्रद्युमन को हम पर शक हो जाए। सारा काम बड़ी होशियारी से करना होगा, नहीं तो डीसीपी चतौले हमारी बैंड बजा। एसीपी प्रद्युमन मैरिज ब्यूरो में? कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रहे? अरे नहीं इडियट, लगता है सीआईडी छोड़ने के बाद प्रद्युमन साहब ने मैरिज ब्यूरो में नौकरी ढूंढ ली। सीआईडी के बाद मैरिज ब्यूरो? सर और कोई काम नहीं मिला उनको? एसीपी प्रद्युमन कोई भी काम बिना वजह के नहीं करता, जरूर इसके पीछे भी कोई गहरा राज छुपा है। मैं डीसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देता हूँ। मंगल शादी मैरिज ब्यूरो, ये क्या प्लान है तेरा प्रद्युमन? क्या करने वाला है तू? एक बात पूछूं सर? हाँ? आपको यहाँ पर काम करना अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, और वैसे भी खाली बैठने से तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी सर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सीआईडी में आपने बहुत सारे खतरों का सामना किया है, गोलियां खाई, गुंडों से मुठभेड़ हुई है आपकी, यहाँ तक कि बॉम्ब ब्लास्ट से भी पाला पड़ा है आपका। अरे वो तो पुरानी बातें हो गई की माया। लेकिन फिर भी सर, सीआईडी में इतना बहादुरी का काम करने के बाद यहाँ पर एक क्लर्क की जॉब करना कुछ अजीब नहीं लगता आपको? नहीं तो की माया, जब मैं सीआईडी में था तब समाज की बुराइयां दूर करने की कोशिश कर रहा था, अब यहाँ आकर
नौजवान लड़के लड़कियों की जोड़ियां बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकी माया, एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या सर? यहाँ की सारी फाइलें देखी मैंने और उसमें जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे अमीर घर के हैं और लड़कियां लोअर मिडिल क्लास की, गरीब घर की। ऐसा क्यों? जबकि ज्यादातर परिवार अपने बराबरी वाले घरों में ही रिश्ता करना पसंद करते हैं। पर सर, अच्छी बात है ना, गरीब घर की लड़की अमीर घर में जाएगी तो उसका भविष्य तो सुधर जाएगा ना, है ना सर? की माया, जरा यहाँ आओ। मैं आती हूँ सर। किसके सामने क्या बोलना है जरा सोच समझ के कहा करो। सॉरी मैम। मिस्टर प्रद्युमन के साथ ज्यादा बातें लड़ाने की जरूरत नहीं, उनको बोलना कि मेरे केबिन में। आपने मुझे बुलाया मैडम? जी, मैं जानती हूँ कि ये काम आपके लिए नया नया है, काफी सवाल आ रहे होंगे आपके दिमाग में। हाँ, वो क्या है ना कि हर काम सही तरीके से करने की आदत जो पड़ गई है। आदत अच्छी है, लेकिन इसे आप रिश्ते जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप मुजरिमों की तरह लड़के लड़कियों की कुंडलियां निकालने लगे तो हो सकता है हमारे इस मैरिज ब्यूरो को ताला लगाना पड़े। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इन परिवारों की आर्थिक हालत जानने की कोशिश कर रहा था। अब जा सकते हैं। कि माया, जो भी पुरानी फाइल्स और कागज वगैरह है ऑफिस पे वो सारे जला दो, और कंप्यूटर में भी जो भी पुराना डेटा हो सब डिलीट कर दो, बहुत कचरा बढ़ गया ऑफिस में। चित्रोले साहब, आप यहां कैसे? प्रद्युमन, तुम तो यहां पे जम गए यार, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ सर, सच कहूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसी काम के लिए बना था, बेवजह मैंने सीआईडी में इतने साल गंवा दिए। सब ठीक है, यहां पे कैसे आए? सर क्या है कि जो आदमी बेरोजगार है उसके लिए कोई भी काम अच्छा ही है, लेकिन मैं लकी था, जैसे आपने मुझे सीआईडी से निकाल लिया मुझे यहाँ पर नौकरी मिल गई। तुम सीआईडी से निकले अपनी वजह से, ना जैस्मिन की मौत होती ना तुम्हारी नौकरी जाती, एंड आई होप इसके लिए तुम मुझे जिंदगी भर गाली नहीं दोगे। हैं? अरे नहीं सर, मेरे दिल में बिल्कुल गुस्सा नहीं है, मैं तो यहाँ पर अच्छा काम करता हूँ शांति से। ये इतना कैसे बदल गया, सन्यासी हो गया? खतरा और बढ़ गया है। क्या हो गया सर? नहीं नहीं, एक बात बताओ। हाँ। तुम अपनी शादी तो संभाल नहीं सके, लड़का तुम्हारा भटक गया और तुम दूसरों की शादी कराने निकले। वैसे तो सर शादी के मामले में आपका भी हाथ तंग है। नहीं, आई एम सॉरी। एक बात कहूं सर? कब? देखिए अब मैं यहीं पर हूं, अगर आप चाहो तो, मतलब अगर आप चाहो तो आपके लिए कोई अच्छा प्रपोजल ढूंढ सकता हूं मैं। क्या? नहीं सीरियसली सर, कि सर आप अभी भी इतने हैंडसम लगते हैं। हैं? बिल्कुल, मतलब हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट। देखो देखो कैसे मन में लड्डू फूट रहे हैं बेवकूफ। तो फिर कर ही दो। ओके सर। सर आपके टेबल पर तीन फाइल्स रखी, आपको बहुत सारा काम करना है। मैं करता हूँ, लेकिन इनसे भी मिलना बहुत जरूरी था। किमाया। जी मैम। तुम हमेशा इसी तरह से टाइम पास करती रहती हो। वो मैम, मैं प्रद्युमन सर को बता रही थी कि। चुप, जाओ अपना काम करो। और मिस्टर प्रद्युमन,
आप तो समझदार है ना, तो फिर आप कैसे टाइम पास कर रहे थे इस तरह? मैम मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, ये हमारे क्लाइंट हैं। अब इनके लिए एक प्रपोजल के बारे में डिस्कस करना था। कब्र में पैर लटके हैं और बुढ़ऊ निकला है शादी करने। अरे आपको सोचने लगे, मुश्किल है? नहीं तो कैरी ऑन। प्रद्युमन ये नहीं, ये प्रपोजल नहीं है सर। अरे यार मैं कह रहा था कि तुम इसके अंडर में कैसे काम करते हो, ये तो बहुत कड़क भाई है। नहीं नहीं सर, आपके जैसे तो बिल्कुल नहीं, आप तो ठीक है ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं 2-3 दिन में आपको फोन करता हूँ सर, कोई अच्छा प्रपोजल निकलेगा तब। हाँ करना। मैं जरा शेर खास नहीं खा सकता है, ये प्रद्युमन को छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है। सर एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली है। डॉक्टर तारिका की शादी हो गई क्या? सर मेरा नाम अभिजीत है, पर मैं काम के वक्त ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता, और ये बात हमें एसीपी प्रद्युमन ने सिखाई है। और जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपको और भी धक्का लगेगा। सर जिस कॉफी शॉप में मालविका रोहन से मिलने जाती थी वो कॉफी शॉप इलियाना की है। इलियाना, प्रिया की लड़की इलियाना, वो प्रिया जो नकली शादियों का रैकेट चला रही है, कहीं माँ बेटी मिलके तो नहीं कर रही है? जी सर, जब हम प्रिया को ढूंढते ढूंढते उसके घर गए थे उस वक्त इलियाना मिली थी। प्रिया जी तुम्हारी माँ है? जी। तुम्हारा नाम क्या है? इलियाना। उस समय बोली कि मेरी माँ क्या करती है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, और अब ये। और सिर्फ यही नहीं सर, ये प्रिया भी सुबह सुबह 6 बजे ब्लैक फिल कॉफी हाउस में ही गई थी। प्रिया भी वहां गई थी? हाँ सर, और जिस टैक्सी में बैठ के वो गई थी उस टैक्सी वाले से उसने ये पैड लिया और इसमें कुछ लिखा था उसने। 55-23-50-500, 7 जनवरी 20-13, 86-25-40-785, 29 दिसंबर 20-12। कहीं ये पासवर्ड तो नहीं होंगे? ये तारीखें लिखी हुई हैं, तारीखों के साथ में नंबर लिखे हुए हैं, इन तारीखों पे कुछ बड़ा होने वाला है। सर हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाया और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो पहला नंबर है 55, सर ये किसी देश का कोड है, 55 ब्राजील का कोड है सर, और जो 50-500 है आगे वो ब्राजील जाने के टिकट का खर्चा। मतलब 7 जनवरी को कोई ब्राजील जा रहा है? हाँ सर, नकली शादियां करवा के मासूम लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा है, हमारे देश की लड़कियों को फंसाया जा रहा है, इन बेचारी लड़कियों को मालूम नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है सर। और ये जो बीच में 21-27-25-21 लिखा है ये उन लड़कियों की उम्र है सर। सर ये हमें रोकना ही होगा। वाह सर वाह, क्या दिमाग पाया आपने, कितना गहरा सोचते हैं, मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकता हूं। सर सर उस मैरिज ब्यूरो का पता चल गया है जहां से निहारिका को मालविका के लिए रिश्ता मिला था, रोहन का। कौन सा मैरिज ब्यूरो है? मंगल शादी मैरिज ब्यूरो। क्या मंगल शादी मैरिज ब्यूरो? मंगल शादी मैरिज ब्यूरो। अभिषेक ये ज्योति है। हाय। हाय। वैसे तुम दोनों की प्रोफाइल मैंने देखी है और मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। जी आप क्या करती हैं? मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। और आप? मेरा कपड़ों का कारोबार है। क्या बात है क्या बात है, जोड़ियां या तो स्वर्ग में बनती है या फिर प्रद्युमन की टेबल पे, है ना? आपके ही कॉफी शॉप में आपको चलने के लिए कह रहा हूँ, है ना? हाँ ये मेरा ही कॉफी शॉप है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं?
मैं अपनी मम्मी के किसी भी काम में जुड़ी हुई नहीं हूँ और ना ही वो मेरे काम में दखल देती है। अच्छा, इसीलिए आपकी मम्मी जी यानी प्रिया जी परसों आपके कॉफी शॉप में आई थी सुबह 6 बजे। मम्मी और यहाँ पर? नहीं, ये गलत है। यही सच है और हमारे पास गवाह भी है। वो टैक्सी ड्राइवर जिसने प्रिया जी को यहाँ इसी कॉफी शॉप के पास छोड़ा था, समझी? प्लीज चलिए। अरे मैम, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ मैम, कुछ टेंशन है क्या? मैडम से बाद में बात करना, पहले हम लोगों से बात कर लो। हम लोग CID से। CID? क्या बात है सर? प्रिया जी का। मैम, प्रिया जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैम देखो, सर सच बताओ, हमें मालूम है प्रिया जी यहाँ परसों आई थी सुबह 6 बजे। सर 6 बजे? सर ये कॉफी शॉप सुबह 6 बजे खुलती नहीं है सर। वही तो हम जानना चाहते हैं कि प्रिया जी इतनी सुबह कॉफी शॉप में क्या करने आई थी। परसों यहाँ पर कौन सा स्टाफ मौजूद था? मैडम परसों शॉप तो मैंने ही खोली थी। अच्छा, आपने खोली थी? जी, लेकिन प्रिया जी के यहाँ आने के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। 10:30 बजे मैं शॉप खोल देता हूँ, बाकी स्टाफ 11 बजे तक यहाँ आ जाते हैं। विराट और उसके पिता उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारते थे सर। प्रीडी, पहचाना इन लोगों को? हाँ सर, अच्छी तरह से। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे? काम करते सर। ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे स्टाफ को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या क्या किया है इन्होंने? क्या किया है? सानिया को जानते हो? उसको घर में बंद करके मारते पीटते थे। कहाँ है वो? सर, सर ये सानिया कौन है? सानिया एक अभिषेक, ज्योति, मैं अभी आया। चित्रोली साहब, आप बार बार यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और जब तक यह पता नहीं चल जाता कि तुम्हारे पतंग यहीं पे आके क्यों पटकी, ये दर्द होता ही रहेगा। आप चिल्लाइए मत, आपकी शादी नहीं हो सकती। चुप, शादी तो मैं करूंगा तेरी। एक्सक्यूज मी, ACP चित्रोले फ्रॉम CID। खड़े रहो सब अपनी अपनी जगह पे, हिलो मत। ये मैरिज ब्यूरो तुम्हारा ये? हाँ। जो भोली भाली लड़कियों की शादी करा के उनको नरक में झोंकती है? क्या मतलब? जेल में जब चक्की पीसेगी तो पता चलेगा कि इसमें हाथ काले क्यों किए। मालविका की शादी रोहन से किसने फिक्स की थी? यहाँ पे कितने रोहन और कितनी मालविकाएं आती है, अब कैसे याद रहेगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। एक एक आदमी जो यहाँ पे आएगा उसका नाम याद रखना पड़ेगा। एक आदमी था जिसका नाम बिल्लू था, उसका नाम चंगू भी था और राकेश भी था और बिचोटिया भी था और रोहन भी था। मालविका की शादी उससे करा के तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। हम तो लोगों से सिर्फ बायोडाटा लेते हैं, अब उस बायोडाटा में वो अगर कुछ गलत चलत छाप दे तो हम क्या कर सकते हैं? बायोडाटा सही है कि नहीं ये आपको ही देखना पड़ेगा। और एक एक चीज चेक किए बिना अगर एक भी शादी और हुई तो इस मैरिज ब्यूरो पे ताला लगा दूंगा। हम फिर से आएंगे, सारी फाइलें सारे कंप्यूटर्स चेक करेंगे। आज से इस मैरिज ब्यूरो पे हमारी निगाहें लगी रहेंगी। एंड मिस्टर प्रद्युमन, आपके ऊपर भी हमारी निगाह रहेगी। अब दूसरी नौकरी ढूंढने की तैयारी करो।
चल सुदीप, कल मिलते हैं। चल। और किताब तो मैंने पढ़ लिया, कल तेरे को लाके देता हूँ। सर, घर नहीं जाना है आपको, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया है। बस निकल ही रहा था। जी। मैम, सब लोग चले गए। ठीक है, चलो। तुम चलोगे मेरे साथ? ड्रॉप कर दो तुम। ठीक है मैम, आप मुझे ड्रॉप कर दो। ओके, चल साथ में चल। अब मेरा सामान लेके जाओगे? मैं आती। हेलो, दिन ब दिन परेशानी बढ़ रही है। हाँ, वो डीसीपी साहब भी आके चेक कर गए उससे, उन्हें जरूर हम पे शक है। हाँ, कुछ भी करके टारगेट को पूरा करना ही है। तो कोई नहीं था मैम, ताला मैंने अपने हाथों से बंद किया है। नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कोई है। चलो देखते, चलो। जरूर आया था यहाँ। मैम, मैंने कहा था ना, यहाँ कोई नहीं है, जरूर आपका बहम होगा। बहम बैटरी की तरह चलता नहीं है, समझे? कोई ना कोई तो जरूर था यहाँ। लगता है डीसीपी चित्रोले की धमकी के बाद मैम कुछ ज्यादा ही घबरा गई है। चलो, औरत पे हाथ उठाने वाले लोगों को आप ऐसी कड़ी सजा मिलेगी जो उसके साफ पुश्ते याद रखेंगे। अरे, 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 अरे। क्या हालत बना दी है इन बेचारों की। तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है। सर, ये लोग भोली भाली लड़कियों को मारते हैं। सर, उन पे हाथ उठाते हैं। सानिया को मारा, उसकी मरने जैसी हालत बना दी इन लोगों ने। सानिया कहाँ है? सर, सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। अरे, बेटे को नहीं तो बाप को तो मालूम होगा। अबे कुछ नहीं पता साहब, अमर ने हमें पैसे दिए थे सब करने के लिए, उसने जैसा कहा हमने किया। ये मालूम होते हुए भी कि तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पे चल रहा है, उसे रोकने के बजाय तुम भी चल पड़े उसी रास्ते में। क्या रैकेट है ये, क्या करते हो तुम लोग लड़कियों के साथ? हमें कुछ नहीं पता साहब। इसकी पूजा जरा कम हुई है दया। मुझे बस इतना मालूम है कि सानिया कनाडा की एम्बेसी जाने वाली है वीजा के लिए। कनाडियन एम्बेसी? हाँ साहब, 14 जनवरी को उसे कनाडा भेजा जाना है। सर, फिर तो अमर भी कल उसके साथ जा रहा होगा। चलो जल्दी से सानिया को बचाने की तैयारी कर लो। और ये प्रिया कहाँ है? वह कहीं पता नहीं सर। फिर वही पता नहीं? वह कहीं पता नहीं। बोल,
कहाँ है वो? सर, सर, सर उसने जब प्रिया कॉफी शॉप आई तो उसने मुझसे बोला कि वो कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो रही है क्योंकि आप लोग उसे पीछे पड़े हुए। ये अमर कहाँ मर गया? अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा मैडम, आता ही होगा। सॉरी मैम, ट्रैफिक बैठा गया। बट क्या हुआ, बहुत टेंशन में लग रही थी। फॉरगेट ऑल दैट। देखो, कुछ दिनों के लिए मैं अंडरग्राउंड हो रही हूँ। अंडरग्राउंड? और क्यों? सीआईडी को मुझ पर शक हो गया है। वो लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। देखो, मेरी गैर मौजूदगी में हमारा काम अटकना नहीं चाहिए। शादी जितनी तय की हुई है वो सारी हो जानी चाहिए, समझे? समझ गया मैं। हाँ? मैं सब समझ। क्लाइंटों से हमने एडवांस में पैसा लिया हुआ है। गेट इट? और एक बात, मुझे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कांटेक्ट करूंगी तुम लोगों को। गेट इट? स्टॉप इट गॉन। तुम बहुत खतरनाक औरत है वो। ये लोग जो कर रहे हैं ना, वो लड़कियों को बाहर भेजने का रैकेट है। एक लड़की बेचारी कितने अरमानों के साथ शादी करती है ये सोच के कि उसकी नई जिंदगी उसके लिए खुशियां ही खुशियां लाएगी, मगर तुम जैसे लोग उसकी जिंदगी में आंसू और तड़प भर देते हो। ये प्रिया लड़कियों को कहां से लाती है? अगर ये पता चल गया तो प्रिया भी मिल जाएगी। फोटोग्राफ्स भेजता हूँ, चेक कर लेना। या मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, कोई आया दरवाजे पर। अरे अभिजीत, दया, आओ 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 आओ। सर, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को देखकर। बता, कैसे चल रहा है तुम दोनों का? हैं? चल रहा है सर, बस आपके बिना सब सुना सुना है सर। एसीपी दिग्विजय आपकी चेयर पे बैठते हैं तो आग लग जाती है सर। मन करता है चित्रोले साहब को इस्तीफा दे दे सर। नहीं 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 अभिजीत, दया, तुम दोनों ही गलती कभी मत करना। अब सिर्फ तुम दोनों ही तो हो, लोग तो तुम दोनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जुर्म के खिलाफ लड़ाई जारी तुम ही रखोगे। सर, जुर्म के खिलाफ तो हम लोग लड़ी रहे हैं, मगर आपके जाने के बाद हमारी ताकत आधी हो गई है सर। खुद को बेसहारा महसूस करते हैं हम लोग। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता दया, अब तो तुम दोनों को भी आदत हो जाएगी कुछ ही दिनों में मेरे बिना काम करने की। नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, हम लोगों को तो अभी भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप सीआईडी में वापस आएंगे सर। अभिजीत, अच्छा वो छोड़ो, क्या लोगे, चाय, कॉफी, ठंडा है? नहीं सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपका हालचाल पूछने आते हैं। हालचाल? बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, है ना? दिन कैसे कट रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं, सुबह उठता हूँ, वॉक को जाता हूँ, फिर आता हूँ, पेड़ पौधों को पानी देता हूँ, फिर कुछ किताब पढ़ लेता हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी सलाह देता हूँ, फिर शाम को वॉक करके घर आ जाता हूँ। और करूँ भी तो क्या है? कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं सर, हमें मालूम है कि आप ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। सर, आप हमें अभी तो बता सकते हैं कि हुआ क्या था? दया, दया, ठीक है, कोई बात नहीं सर, लेकिन कभी हम लोगों की जरूरत पड़े तो सर याद कीजिएगा। हाँ।
भाई साहब मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमें पहले जाने दीजिए ना। एक्सक्यूज मी सर, हमारे वीजा। आपके वीजा तो कब से रेडी है, लेकिन आप जाना कहाँ चाहेंगे मिस्टर अम? तिहाड़ जेल या आर्थर रोड जेल? आप सचिन, अमर तो उड़ना चाहता है। इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर अमर? अपना सिक्योरिटी तो चेक करवा लो। आप लोग एक शैतान कैसा दिखता है पूरे देश को पता चलना चाहिए। देश के हर अखबार के फ्रंट पेज पे तेरी फोटो छपनी चाहिए। मासूम लड़कियों से नकली शादी करते हो, फिर बाहर के देशों में ले जाके उन्हें बेच देते हो। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। नहीं नहीं, इस गुनाह की कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। पहले जैस्मिन से शादी, फिर इस बेचारी सान्या से। बोल, और कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने? इसको बिल्कुल मत छोड़ना सर। आज आप लोग सही वक्त पर नहीं आते, ये तो मुझे भी किसी और देश में बेच चुका होता। मगर तुम्हें तो मालूम है मैं एक गुलाम हूँ। मुझे नहीं पता किसका गुलाम। उन्होंने क्या पूछा, किसका गुलाम है? प्रिया मैडम का। जैसा जैसा प्रिया मैडम बोलती गई वैसा वैसा मैं करता गया। कहाँ है प्रिया मैडम? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। जब प्रिया मैडम की सारी बातें मानते हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि प्रिया मैडम कहाँ है? कैसे बताऊं? ये सर सर ये देखो। अरे देखो ये वायलेंस ठीक नहीं। हम लोग फंस जाएंगे इसमें, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ऐसे मार सकते क्या किसी को? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है, अपने आप बैठे बैठे गिर गया। अब पता चला प्रद्युमन कैसे सॉल्व करता है केस फटाफट। हाँ सर, काम कर रहे हैं लोग, और नाम हो रहा है प्रद्युमन का। अच्छा वो पत्ता कटोगे? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम प्रिया मैम का है। यहाँ थोड़ा पढ़ने के बाद भी तेरा कंप्यूटर चला नहीं अपने ना? सिर्फ उनकी बेटी एलियाना बता सकती है वो कहाँ है। ये नकली शादियों के लिए लड़के और लड़कियाँ कहाँ से लाते हो तुम लोग? ये भी सर प्रिया मैडम ही बता सकती है, मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम सर। हर बात पे प्रिया मैडम, प्रिया मैडम है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया। बाप की मटकी उसके सर पर फोड़ रहा, तुम दूध के धुले हुए हो क्या? मैंने कहा ना सर, मैं तो सिर्फ एक गुलाम हूँ, मेरे ऊपर प्रिया मैडम है और प्रिया मैडम से ऊपर कोई और है शायद। हमें तो एक नंबर से फोन आता है बस। किस नंबर से फोन आता है? प्राइवेट नंबर है, नंबर दिखाई नहीं पड़ता। फिर सर हमको जो ऑर्डर दिया जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। आखिरी फोन किसका है? प्रिया मैडम का। फिर प्रिया? अरे कहा क्या उसने? सर उन्होंने कहा था सानिया को लेके जाओ और विराट के हवाले कर दो। हवाले कर दे, हवाले कर दे, मैं कोई गाजर मूली हूँ जो उसके हवाले कर दे। हाँ मैं कोई गाजर मूली हूँ, छोड़ी मैं कोई गाजर मूली हूँ ना, उसके हवाले कर दे, हवाले कर दे। और क्या कहा? और कहा कि अरे बोल भी दे यार, बिल्लू को रोहन बना दे। ये तो साइंटिस्ट है यार, आदमी को आदमी से बदल देता है। कैसे बनाया बिल्लू से रोहन? सर नाम बदल दिया और क्या। बस सर अमर के घर से जो लैपटॉप मिला था उसे रिपेयर करवाया, इसमें कुछ लड़के लड़कियों के नाम है जिनकी नकली शादी करवाई गई है। चल भाई, प्रद्युमन के बिना भी केस तो आगे बढ़ रहा है। जी, और सर ये ज्यादातर लोग एक ही जगह से आए हैं। कौन सी जगह से? सर मंगल शादी मैरिज ब्यूरो सर। अगर आप चाहो तो आपके लिए कोई
अच्छा प्रपोजल ढूंढ सकता हूँ मैं। मंगल शादी मैरिज क्या वैसा? वहाँ पे तो आपकी भी शादी की। अरे फंसा दिया मुझे प्रद्युमन ने। अरे प्रद्युमन जाके इसी मैरिज ब्यूरो में काम कर रहा है। क्या सर? बेवकूफ बना दिया मेरा, प्रिया के लिए काम कर रहा है। प्लीज सर प्लीज, आप कहना चाहते हैं कि प्रद्युमन साहब का हाथ है इन लड़कियों को विदेश ले जाके? हाँ। रेड मारो अभी, अभी रेड मारो वहां पे, मंगल शादी ब्यूरो पे रेड मारो अभी, तभी पता चलेगा प्रद्युमन क्या कर रहा है वहां पे। ये हमारी दो बेटियां हैं, नेहा और नीलम, और 6 महीने में ये रिटायर्ड हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि उससे पहले हमारी दोनों बेटियों की शादी हो जाए। एक बात और, हम बहुत ही साधारण परिवार के लोग हैं, दहेज वगैरह बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने इन लोगों को वो सब समझा दिया है। जी हाँ, इनकी कोई मांग नहीं है। ऐसी बातें करके आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ संस्कारी और सुशील बहू ही चाहिए। एक मिनट, अभिजीत क्या हुआ? सर डीसीपी चित्रोले मंगल मैरिज ब्यूरो में रेड करने वाले हैं। सर रेड करने वाले मैरिज ब्यूरो में? क्यों सर? उन्हें शक है कि लड़कियों की शादी करा के फंसाने में आप भी शामिल हैं। सर डैम इट, चित्रोले मुझ पर शक कर रहा है, मुझ पर। सर आप प्लीज वहां से निकल जाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एसीपी प्रद्युमन, कहीं से पता तो नहीं चल गया? हेलो सर, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ सर, अगर आप मैरिज ब्यूरो में रेड डालोगे तो मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा सर। आ गया ना सब खुल के सामने, उतर गई शराफत की नकाब। जब केस सॉल्व होने का टाइम आया तो बोले रेड मत करो। रेड नहीं करेंगे तो क्रिमिनल्स पकड़े कैसे जाएंगे प्रद्युमन साहब? देखिए सर, एक तो आपको पूरी बात पता नहीं और फिर बात बात पर उखड़ जाते हो आप। मैं उखड़ जाता हूँ? और नहीं तो क्या? मैं उखड़ जाता हूँ? फिर वही। देखिए सर, अगर आपने रेड करवा दी ना अभी मैरिज ब्यूरो में, तो असली गुनेगार हाथ से निकल जाएगा, सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, मेरी बात समझो। उन्हें पता चलेगा कैसे फिर रेड होने वाली है, तुम बताओगे तभी ना। पुलिस फोर्स से कहता है जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो फिर किसी भी चित्रोले मेरी भी बात सुन ही लो। आप है ना, आप एक बिथरे हुए सांड की तरह कर रहे हो। बिथरे हुआ सांड? मैं? हाँ हाँ, आप बिथरे हुए सांड की तरह कर रहे हो, समझे? देखता हूँ मैं आप कैसे रेड करते हैं। मैं CID की रेड होने ही नहीं दूंगा यहाँ पर इस मैरिज ब्यूरो में। अपना पूरा जोर लगाऊंगा लेकिन रेड होने नहीं दूंगा। यस टपक गए। मुझे अभी अभी एक कॉम्प्लीमेंट मिला है, एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसे सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। आपको कॉम्प्लीमेंट मिला? हाँ, मुझे किसी ने बिथरा हुआ सांड का। ये कॉम्प्लीमेंट है सर या सरासर गाली है? 4-5 आंसू निकले थे गुस्से में, वही सूप ने पी लिए। मगर सर ये कहा किसने आपको? प्रद्युमन ने। और किसने? इस हद तक उतर आया हूं। और मालूम है उसने क्यों कहा? क्यों? क्योंकि मैंने मंगल शादी ब्यूरो पे रेड करने के लिए कहा था और यहाँ से किसी ने फोन कर दिया। कौन है वो विभीषण? कौन है? किसने बताया? तुमने? मैं तो आपके साथ हूं सर, है ना? से बची है बगावत की सीटी। तुमने कहा? जी सर।
क्यों? सर जब वो कह रहे हैं कि रेड करने से नुकसान हो सकता है, मासूम लड़कियों की जाने जा सकती हैं, तो रेड करने से नुकसान हो सकता है सर। आप ये क्या कर रहे हैं सर? आप उसी मैरिज ब्यूरो में क्यों काम कर रहे हैं सर, जहाँ पे चित्रोले साहब की नजर है? सर आपको तो मालूम ही है कि उस मैरिज ब्यूरो में कुछ गड़बड़ है, फिर भी आप वहीं पे नौकरी कर रहे हैं सर? और सर ये डीसीपी चित्रोले वहाँ पे रेड करने के चक्कर में है सर। जो कुछ भी होता है, चाहे डीसीपी चित्रोले या एसीपी दिग्विजय, दोनों तुम्हें कहे कि उस मैरिज ब्यूरो पर रेड करो, तो प्लीज रेड मत करना, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सर हम पहले भी आप ही के ऑर्डर्स मानते थे और आगे भी वही करेंगे सर। मगर सर आप हमें ये तो बताइए कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? आप वहां से चले क्यों गए? अपने अपने पतियों के साथ यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है सर, और अगर हमने भागने की कोशिश की तो मैरिज ब्यूरो वाले हमारे परिवार को मार डालेंगे सर। है कौन ये? कौन सा मैरिज ब्यूरो है जिन्होंने तुम्हारी शादियाँ करवाई है? सर मंगल शादी मैरिज ब्यूरो सर, प्लीज हमें इस तरह से बाहर निकाल दीजिए सर, प्लीज सर। मंगल शादी मैरिज ब्यूरो, घबराओ मत, मैं आया हूँ ना, तुम सबको सही सलामत बाहर निकालूंगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी, चलो यहाँ से चलो। एसीपी, कोई कहीं नहीं जाएगा, हिलना मत एसीपी, वरना इन लड़कियों के मौत के जिम्मेदार तुम होगे। नहीं, अगर लड़कियों में से किसी को भी कुछ भी हुआ ना, याद रखना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझे? तुम क्या एसीपी, तुम्हारी पूरी सीआईडी फोर्स भी इन लड़कियों को नहीं बचा पाएगी। गंदो, ए चल ले, चल लड़कियों, ए लड़कियों को पीछे ले, ले निकाल, निकाल, ए ए चल पीछे, पीछे सीपी, पीछे चल, चल ए नाटक, देखो लड़कियों को छोड़ दो, चल चल जल्दी, चल ए चल, चल चल नाटक कर रही, ज्यादा चल निकल बाहर, चल चल जल्दी, चल माय गॉड जस्मीन। हाँ सर मैं ठीक हूँ सर, सर वो लड़कियों को बचा लीजिए सर, सर एक बार वो बाहर चले गए तो कभी वापस नहीं आएंगी सर। तुम अपना ख्याल रखना। चल अंदर ले, अंदर ले, आवाज दे, चलो चलो, रुक जा, वही रुक, वही रुक, नहीं तो ला दूंगा भेजा इसका, एक एक समर जाएगी यहाँ। मेरी बात सुन, छोटे लड़की को ले एसीपी, चल नीचे, चल नीचे एसीपी, क्या कर रहे हो तुम? लड़की को मार डालूंगा मैं, चल नीचे। ठीक है, रखता हूँ, चल नीचे, लड़कियों को कुछ मत करना, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा मैं। नहीं, ए अंदर ले, अंदर लो, अंदर ले, ए क्या कर, चल अंदर, चल। देखो मेरी बात मानो, लड़कियों को एसीपी, बिल्कुल नहीं, लड़कियों को छोड़ देना, गलती मत करना एसीपी। Thank you.
लड़कियां अभी भी फंसी हुई है। किसी भी हालत में उन लड़कियों को बचाना ही होगा। अगर रेड मार दिया तो लड़कियां हाथ नहीं लगेगी। पर सर अब तो हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? लेकिन अब तक तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये सारा रैकेट उस मंगलशादी ब्यूरो में इससे भी चल रहा है। लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और उसका तरीका क्या है, ये नहीं पता चल रहा है। हम तो चाहते थे कि रिश्ता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों प्रद्युमन जी मना कर दिए। मिस्टर प्रद्युमन, दोपहर को क्या किया आपने? अच्छी खासी चल रही शादी की मीटिंग को कैंसिल करवा दिया। वो वक्त सही नहीं था, इसलिए। वक्त तो आपका गलत है। आपको सैलरी किस बात की मिलती है, जोड़ियां बनाने की या जोड़ियां तोड़ने की? वैसे दोपहर को आप गए कहाँ थे? मैम एक इमरजेंसी आ गई थी, लेकिन आई एम सॉरी, ये आइंदा ऐसे नहीं होगा। ये लोग वापस कैसे आ गए? मैंने बुलाया है उन्हें। जो काम आप अधूरा छोड़ के गए थे उसे मैंने पूरा किया है। मैंने मयूर और सुमित की शादी नीलम और नेहा के साथ तय कर दी है। मिस्टर पद्मन, आप आ गए, सब ठीक ठाक है ना? हमारी बेटियों के लिए इतने अच्छे दूल्हे ढूंढने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ पहचान करके दी। अब इन्होंने एक दूसरे को पसंद कर दिया, बस हो गया। सही फरमाया आपने। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुमित और मयूर को 2 महीनों में वापस अमेरिका लौटना है, और वो चाहते हैं कि नीलम और नेहा भी उनके साथ जाए, इसलिए हमें शादी जल्द से जल्द करवानी पड़ेगी। ये कैसे हो? मालूम नहीं सर, मैं अंदर आया तो देखा कि मरा पड़ा था। मालूम था कि प्रिया कहाँ है, उसे तो सीआईडी के लॉकअप में मार दिया गया। मैंने ये करने के लिए नहीं कहा था। सर मैंने नहीं मारा इसे, मेरे आने से पहले कोई मार गया। तुम कहाँ गए? सर मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया था। बाहर गया था? कुछ तो गड़बड़ा यहाँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे अमर, अमर मर गया? जी सर। जो बता सकता था कि प्रिया कहाँ है उसी को मार दिया। तुम लोग केस सॉल्व नहीं होने दोगे। चाय पी के मरा। चाय पी के? मगर चाय चाय वाला पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। फिर चाय में दाय मिलाया किसने? सर चाय की दुकान पर किसी ने मिला दिया होगा, मैंने तो कुछ ला के नहीं दी। चाय की दुकान में बाहर का कोई आदमी आया था? हाँ सर, लाल गाड़ी का ड्राइवर आया था। लाल गाड़ी? गाड़ी में और कौन था? सर गाड़ी में एक औरत बैठी थी। औरत? लाल गाड़ी में एक औरत, और लाल गाड़ी में एक औरत, एक और प्रिया। प्रिया? हाँ सर, प्रिया। प्रिया? प्रिया? तो प्रिया, प्रिया अगर आज प्रद्युमन यहाँ पे होता ना, तो सीआईडी के लॉकअप में यह मौत नहीं होती। जैसे को हमने उसे मारा।
प्रिया, इस प्रिया को उसके बिल से निकालना पड़ेगा। सगाई तो हो गई। बधाई हो। थैंक यू हिमानी जी और प्रद्युमन जी। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका और आपकी मैरिज ब्यूरो का किस तरह शुक्रिया अदा करें। ये तो हमारा काम है। अब शादी भी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। हिमानी जी, इतनी जल्दी भी क्या शादी करने की? सगाई तो अभी अभी हुई है। मिस्टर प्रद्युमन, मैं इन लोगों के साथ शादी की डिटेल्स डिस्कस कर लेती हूँ। तब तक आप मेहमानों के साथ लंच कर लेंगे? हाँ, ये, ओके। हाँ, देखो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। जी सर, सर हम दोनों ने माइक्रोफोन वाली अंगूठी हमको पहना दी। गुड सर, वो दोनों लड़के शादी के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। होने दो, लेकिन ये दोनों दूल्हे ही हमें इस गैंग के मास्टरमाइंड तक पहुंचाएंगे। हम सुन रहे थे फरमाइश आपकी, गाने हमारे। अब गानों के बीच सुनिए एक सनसनी खबर। सीआईडी की टीम ने मैरिज ब्यूरो के नाम पर चल रहे औरतों के गैर कानूनी व्यापार का पर्दाफाश कर दिया है। पता चला है कि एक ब्लैक फील्ड कॉफी शॉप की मालकिन एलिना ही इस कांड की मुख्य सूत्रधार थी। क्या सीआईडी एलिना से पूछताछ करके इसमें शामिल और लोगों का भी पर्दाफाश कर पाएगी? हमें अंतिम खबर मिलने तक सीआईडी ने एलिना को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है सर, बीच सड़क पे खुलेआम लड़ाई झगड़ा। चलो देखते हैं। श्रेया, एलिना पे नजर रखो। ये ना जाने कहां से आए और मुझे मारने लगे। लोग जाओ यहाँ से, चलो अपना काम करो। ये कौन है रे तू? गोली मत चलाना। नीचे उतर। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा नीचे उतर। जल्दी देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अलीना, जल्दी आओ। कौन है तुम? तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा। जल्दी आओ। सर, इलियाना को पकड़ने का प्लान कामयाब हो गया सर। प्रिया ने हमला कर ही दिया। श्रेया, तुम ठीक हो? सर, सर, इलियाना वो गाड़ी में। एक मिनट। चुकी सर, शरीर पे कोई घाव का निशान या गोली का निशान भी नहीं। सर, इलियाना जिंदा है लेकिन पल्स बहुत कम है। इसकी गर्दन पे निशान है। इलियाना को भी। श्रेया, जल्दी से इलियाना को हॉस्पिटल लेके जाओ। और हाँ, जरा संभल के, हो सकता है इस पर दोबारा हमला। सर, गाड़ी का नंबर प्लेट तो है नहीं। नंबर प्लेट नहीं है? बस
कोई बात नहीं, गाड़ी के चेसिस नंबर से पता चल जाएगा कि गाड़ी किसकी है। सर ये देखिए, टायर्स पे अलग अलग तरह के रंग लगे हुए। डॉक्टर सालों को ही बताएंगे ये कैसा रंग है। एक बात समझ में नहीं आ रही, प्रिया अपनी बेटी को क्यों मारना चाहे? ये बात तो है प्रिया, एक मिनट यहीं रुको, हाँ मैं अभी आता हूँ। ओके सर, सर अभी मयूर जस्ट अभी जेरॉक्स की दुकान पर गया है, हालांकि उसके पास जेरॉक्स या फोटोकॉपी करवाने के लिए कोई पेपर नहीं है। ओके ओके सर, सर ओके बाय। मोबाइल की शॉप पर गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने उन्हें कहा था कि हम दोनों को लंच करवाओगे और तुम लोगों ने वादा भी किया था कि आज हम पूरे दिन साथ में रहेंगे, फिर ये सब क्या है? हाँ कहा तो था लेकिन हम लोग कुछ काम आ गया सर। अरे बाबा परेशान क्यों हो, तो रात को डिनर करते हैं ना, अभी दो मिनट का काम है, अभी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अचानक पता नहीं क्या, उन दोनों ने लंच का प्रोग्राम कैंसिल किया और कहने लगे कि होटल में उन्हें कुछ काम है। और सर मैंने उनसे कहा भी कि हम इसी होटल में लंच कर लेते, पर पता नहीं क्यों उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। कौन से होटल में? होटल ITZ, इट्स होटल। कोई बात पता चल जाएगा, लेकिन तुम दोनों को पता है ना अपने मंगेतरों के साथ क्या करना है? Yes, sir. हमें ये शादी नहीं करनी है। क्या तुम दोनों शादी करना नहीं चाहते? मगर क्यों? क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये रिश्ता हमारे लायक है, इसलिए ये एंगेजमेंट हम तोड़ रहे हैं। मगर तुम दोनों की मर्जी से ही तो ये रिश्ता तय हुआ था ना? और अब हम हमारी मर्जी से इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। ये क्या बकवास है, इस तरह से तुम रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मेरा मतलब है क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे, है ना? मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप लड़की के माँ बाप को बुलाइए। सुनिए, इसमें हमारे माँ बाप को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात करनी है आप हमसे कीजिए। और अब तो हमारा इस मैरिज ब्यूरो पर से भी विश्वास उठ गया है, हमें आपके लड़कों की गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। और हमें तो बाहर से ये भी पता चला है कि इस मैरिज ब्यूरो में शादी के नाम पर फ्रॉड किया जाता है। एक्सक्यूज मी, आप हम पे इतना झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती, आप हमारे कैरेक्टर पे शक कर रही हैं। और हमने आपसे कुछ भी तो नहीं छुपाया, ना ही कोई बदतमीजी की आपके साथ, फिर आप दोनों को अचानक क्या हुआ? सॉरी, हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, हम ये शादी नहीं कर सकते। चलो इन लड़कियों के तेवर तो देखो, आज तक इस ब्यूरो में किसी भी लड़की ने रिश्ते से इनकार नहीं किया है। डॉक्टर सालुंगे ने जो बताया उस हिसाब से यही जगह लगती है, टायर पे वो कलर यही पे लगा होगा। सुनो भाई साहब, ये ना जाने कहां से यार मुझे मारने लगे।
बता। सर हम तो कारीगर है सर। प्रिया कहाँ है? सर प्रिया से कुछ लेना देना नहीं सर हमारा। लेना देना नहीं है, लेने का बचाने का नाटक कर रहा था तू सिर्फ। प्रिया प्रिया ऊपर है सर, ऊपर है। चल बता प्रिया कहाँ है? यहीं कहीं पे होगी, यहीं कहीं छुपी होगी सर। हमने कुछ नहीं किया आपके बेटी के साथ, तुमने ही गाड़ी में वो जहरीली सुई लगा के उसे मारा है। मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई। नहीं, अरे निकम्मो, इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाए तुम लोग। अरे क्या बदतमीजी की तुम दोनों ने उन लड़कियों के साथ? मैडम हम लोगों ने उनके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं किया तो उन्होंने शादी से इनकार क्यों कर दिया? कल तक तो सब सही था मैम, आज अचानक उन दोनों को क्या हो गया पता नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें किसी भी हालत में उन्हीं दो लड़कियों की डिलीवरी देनी है, क्योंकि हम एडवांस पैसे ले चुके हैं, वरना मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन तुम लोग जिंदा नहीं बचोगी। अब लगा निशाने पर तीर। नीलम और नेहा को चौकन्ना रहने के लिए कहना पड़ेगा। मैंने नहीं मारा मेरी बेटी, मैं क्यों मारूंगी अपनी बेटी को, बताइए ना क्यों? आपकी बेटी पे हमला हुआ तो दर्द हो रहा है आपको? जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे प्रिया जी, लियाना अब खतरे से बाहर, लेकिन उन 20 लड़कियों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। आपको आपके किए की सजा तो जरूर मिलेगी, मगर आप उन 20 मासूम लड़कियों को जिंदगी भर के लिए सजा मिलने से रोक सकती हैं। हमारे एसीपी साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस केस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये बता सकती हैं कि उन लड़कियों को देश से बाहर कब भेजा जा रहा है तो शायद। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मेरे बॉस को पता चला कि एसीपी प्रद्युमन मुझ पर नजर रखे हैं, तो मेरे हाथ से सारा काम छीन लिया गया और सारी भागदौड़ उन्होंने संभाल लिया। बस इतना ही जानती हूँ कि वो 20 लड़कियां अभी इंडिया में ही है। सुनो, वो दोनों बदमाश तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें मनाएंगे या फिर जबरदस्ती करके तुम्हें कहीं पर ले जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हमारी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है जिससे आपको हमारी लोकेशन की जानकारी मिलती जाए। वेरी गुड, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कोई मुठभेड़ नहीं करना। वक्त से पहले मैं पहुंच जाऊंगा तुम दोनों को बचाने के लिए। ओके सर, फोन रखती हूँ, गुड डे। क्या बताना चाहते थे तुम दोनों? बताना नहीं, उठाना चाहते थे। क्या? तुम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गए। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि तुम लोग हमसे शादी तो नहीं करोगे, इसलिए तुम लोगों को उठाकर ले जाना पड़ेगा। आया समझ? चलो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग? अंग्रेजी में ऐसे किडनैप कहते हैं। ए, चुप रहने का, चुप। ये चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं अपने को। अलम भाई बोल, पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा, पर सुना है कि सीआईडी वाला को भनक लग गई है। अरे नेहा और नीलम के ट्रांसमीटर बता रहे कि वो दोनों पनवेल के जे स्क्वायर आई ब्लॉक में है। रेडी, मेरी बात ध्यान से सुनो।
नहीं नहीं, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। हाँ, आप ऐसा करो, मेरा टिकट बुक कर दो, आज रात का ही। हाँ मैडम। अरे सुनो सुनो सुनो, मैं भी आप लोगों के साथ आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि सीआईडी मुझे गिरफ्तार कर ले। बॉस से जाकर कह दो कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैम आपको तो हमारी गैंग का रूल पता है ना, जिसमें एक बार सीआईडी को शक हो जाता है वो वापस हमारे गैंग में नहीं आ सकता। अरे लेकिन सीआईडी के पास सबूत क्या है? वो तो वैसे ही हाथ पार मार रहे हवा में। तुम बॉस को मैसेज तक करके देखो। मैम आपको अच्छी तरह से पता है हमें से कोई भी बॉस को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, जरूरत पड़ने पर वही हमें मैसेज भेजते हैं। अरे टाइम वेस्ट मत करो, जो भी करना है बाहर निकल के करो, लेकिन पहले यहाँ से निकलो। अरे चलो चलो जल्दी जल्दी। जो जाए वहीं खड़ा रहेगा, कोई भी बाहर जाने की कोशिश नहीं करे प्लीज। नहीं 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 हिमानी जी, आप स्टैचू बन जाइए, पत्थर की बन जाइए और खड़ी हो जाइए एक जगह पे। कब से इच्छा थी तुमसे मिलने की, जब से मैंने सीआईडी ज्वाइन किया है मेरी तो शादी नहीं हो रही है। मुझे छोड़ दे तो मेरी शादी कर दूंगी। काम भाग रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। बॉस कौन है? सर देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, होटल ईद से मैं जाके मैसेज उठा के लाता हूँ। मैसेज आया जी? किधर दे? फौरन मुंबई छोड़ो, आज रात की डिलीवरी के बाद मुंबई के सारे ऑपरेशंस बंद करवा दो, और जब तक मेरा अगला मैसेज नहीं मिलता तब तक सभी अंडरग्राउंड हो जाओ। ओह, एसीपी सर को नेहा और नीलम के बारे में जो खबर मिली थी पनवेल वाली, वो डिलीवरी भी आज रात की थी। अच्छा, बॉस है बहुत चालाक आदमी, कंप्यूटर से लिखता है फिर प्रिंट आउट निकाल लेता है ताकि पता ना चले कि किस कंप्यूटर में लिखा गया है। ये देखा दे, बीच बीच के अक्षर जो हैं धुंधले हैं। प्रिंटर में इंक खत्म हो गई थी क्या? शायद वो बड़ी जल्दी में था सर, उसे दूसरा प्रिंट आउट निकालने का टाइम ही नहीं मिला होगा। जिस ऑफिस में धनाधन प्रिंट आउट निकाले जा रहे हैं उसी ऑफिस के प्रिंटर की इंक खत्म होगी ना। मतलब ये प्रिंट आउट इसी ऑफिस में निकाला गया है? शायद। क्यों इमानी जी, आपको कुछ पता है? लेकिन मुझे बॉस के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर यहाँ से प्रिंट आउट निकाले जाते थे तो मुझे पता नहीं चलता था क्या? आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि आपका बॉस औरत है या आदमी है? हो सकता है इनमें से कोई आपका बॉस हो है? कम से कम आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा प्रिंटर है जिसकी इंक खत्म होने वाली है। सर, इस तरह की प्रिंटिंग तो बाजू वाले कमरे के प्रिंटर से होती है, और कल देर रात तक वो प्रिंटर के साथ कुछ कर रही थी। मतलब कोई औरत है? कौन थी औरत? कौन है तू? तू अंदर कैसे आई? तुम यहां क्या कर रही हो? घर मेरी वजह से चलते और कुत्ते अपने मालिकों के ऊपर भौंकते नहीं। की माया, तुम क्या हुआ, चौंक गए ना तुम लोग? इन सारी लड़कियों को यहाँ से लेकर जाओ, बाहर गाड़ियां हमारा इंतजार कर रही, शाम होते ही हमें यहाँ से निकलना है। लड़कियों को बंगलो नंबर 35 में बंद करके रखा है, कुछ लोग हैं और उनके पास गन्स हैं, उनको रोकना होगा सर। चलिए। हाँ, किसी भी चित्रों ने लिखा सर, जब जब कोई शुभ कार्य करने जाते हैं डीसीपी साहब हमारा रास्ता काटना चाहते हैं। अभी उतरते ही बोलेंगे मुझे सब पता था। मुझे पता था कि तुम लोगों ने इस प्रद्युमन के साथ मिलकर कोई प्लान बना रखा है। वो नया एसीपी दिग्विजय, वो वहाँ ब्यूरो में बैठ के दर्द भरे गाने गा रहा है, और तुम लोग इसके साथ निकल पड़े। सर ये वही केस है, जैस्मिन और प्रिया का केस। आज हम वो केस खत्म करने जा रहे हैं सर, हमें जल्दी जाना होगा। मगर ये प्रद्युमन क्यों चिपका हुआ है साथ में? ये एसीपी नहीं है। बिना नए एसीपी को बताया तुम लोग रेड पे निकल पड़े, ये गलत है।
कार्रवाई होगी सबके खिलाफ। और प्रद्युमन, तुम पीछे के रास्ते से फिर से घुसने की कोशिश कर रहे हो क्या सीआईडी में? आपके सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता चित्रलेखा साहब, उससे जरूरी है उन मासूम लड़कियों की जानें बचाना। ये थोड़ी सी बहादुरी दिखा के तुम्हारी सीआईडी में फिर से घुसने की इच्छा को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। अरे तुम तो अभी कांस्टेबल भी नहीं हो, एसीपी तो छोड़ो। किसी की जान बचाने के लिए मुझे पुलिस या सीआईडी के ठप्पे की जरूरत नहीं है, समझे? देश के नमक का फर्ज अदा करने जा रहा हूँ मैं। चलो प्रद्युमन, बड़ी मुश्किल से निकाला है तुझे सीआईडी में से। बस अब यही बचा था तुम्हारी जिंदगी में? हाँ यही है। चित्रले साहब कहीं देर ना हो जाए, लड़कियों की जानें चली जाएंगी। तो फिर फोन करो एसीपी दिग्विजय को, जल्दी। सर उतना टाइम नहीं है सर, अगर लड़कियों की जानें चली गई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो मैं कब कह रहा हूँ कि लड़कियों को मरने दो। तो फिर जाने दो हमें। नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम लोग जाओ, बाकी लोग जाओ। तुम हम लोग एसीपी साहब के बिना नहीं जाएंगे। इतनी हिम्मत? सर गैंग के बारे में इन्होंने ही पता लगाया। मगर ये नहीं जाएगा, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है चित्रले साहब, आप समझ नहीं रहे। प्रद्युमन दूर हट जा गाड़ी से, दूर हट जा। उनमें से एक लड़की को भी खड़ो जाएगी ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मजबूर मत कर, फायर कर दूंगा। तो फिर चलाओ गोली। लगता है मेरे हाथ से तेरा मरना लिखा है। सर नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सर प्लीज, बहुत दिनों से गन तो चला ही नहीं है, क्या होगा? सभी लड़कियों के जिन्हें तुमने इंडिया के बाहर भेजा शादी के बहाने। बहुत हो गया तुम्हारा मासूम भोली भाली लड़कियों पर अत्याचार। अब ऐसे कानून बनेंगे ना कि तुम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखने की, समझे? रिया ले जाओ इसे दूसरे कमरे में और स्टाइल से पूछताछ करो। ये क्या, रेड खत्म हो गया? यस सर, केस भी सॉल्व हो गया और सारी लड़कियां बचा ली गई सर। वेरी गुड। अगर एसीपी साहब मैरिज ब्यूरो में क्लर्क बन के नहीं जाते तो ये केस सॉल्व होता सर। कल सारे अखबारों में एसीपी साहब के बहादुरी के किस्से तो छपी जाएंगे। उसके बाद तो इन्हें
वापस लेना ही पड़ेगा। तुम लोग एक काम करो, बैंड बाजा मंगवाओ, प्रद्युमन का जलूस निकालो, मैं डांस करूंगा आगे, डांस करूंगा। चित्रोले कॉलेज में था तब भी ऐसा ही था, बात बात में उखड़ता था, और अब तो इसके दिमाग में गुरूर भी भर गया। वैसे आज तो उन्होंने अपनी हार मान ही ली है, अब आप जल्दी से सीआईडी में। नहीं अभिजीत, अब नहीं, अब सीआईडी में वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं।